Assalamualaikum everybody, this is me Sananasi Sheikh from the Scary ME group, and today we have a very exclusive topic on which we are going to discuss. That's about your dental care, am I right? Bilkul right, that's what okay you're okay yeah. Fine, and can you please introduce yourself, Dr. Zahra? Okay, my name is Dr. Zahra Masood. मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ डेंटल आर्ट ग्रीन ब्लॉक मार्केट लाहौर में. प्राइवेट प्रैक्टिस है मेरी जो कि 4 to 10:30 है, और इसके साथ जो है आई एम कोर्स ऑर्गेनाइजर एट पाकिस्तान एकेडमी ऑफ एडवांस डेंटिस्ट्री. वहाँ पर जो सारे डेंटल सर्जन हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान दे आर कमिंग टू हैव द एडवांस कोर्सेज, जैसे इम्प्लांटोलॉजी के जो 1 year एडवांस कोर्सेज होते हैं, ऑर्थो के एडवांस कोर्सेज होते हैं, और छोटी छोटी 1 day वर्कशॉप्स होती हैं वो कंडक्ट करवाती हूँ. एंड साथ जो है अलाइनर्स, इट्स अ ब्रांड नेम ऑफ इनविजिबल ब्रेसेस, उसकी मेडिकल डायरेक्टर के साथ. ओके फाइन, आपने बताया अलाइनर का, आप बताओगे, आज हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों से, बच्चों की हम बात करते हैं, जब टॉडलर्स में हाउ कैन वी केयर अबाउट अवर टीथ. अवर टीथ से मुराद बच्चों के हैं, कि बच्चों को हमने किस तरह से उसमें मतलब उनका करना होता है. अच्छा, मुझे ऑलमोस्ट स्केरी अपने ग्रुप में ना कोई डेली बेसिस पे कोई एक आधी क्वेरी में जरूर देख रही होती है, जिसमें मदर्स का कंसर्न होता है कि हम कब से जो है बच्चों के दांतों को ब्रश करवाना स्टार्ट करवाएं. Now we have more than 3 questions daily, on daily basis we have. On daily basis. तो उसमें ये है कि देखिए, हम सबसे पहले हम दांत क्यों साफ करते हैं, हम उसमें इसलिए साफ करते हैं ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो एंटर ना हो बॉडी में, और जो हमारे फूड पार्टिकल्स दांतों के साथ स्टिक हुए हैं वो जो है प्लाक कॉज ना करें और केरीज कॉज ना करें. अब देखिए, 9 महीने का बच्चा, पहले बच्चे को जो पहला टूथ ब्रश के साथ इंट्रोडक्शन है वो 9 महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 महीने में मुंह में 4 से 5 दांत आ चुके होते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से. तो अब ये है कि बच्चा ऑलमोस्ट हर सॉलिड चीज जो है वो खा रहा होता है. अगर उस वक्त ब्रश स्टार्ट नहीं करवाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि वो बच्चे जो प्यारे प्यारे से उनके शाइनी से दांत है वो खराब हो जाए. तो उसके लिए ये है कि चूंकि उसके बच्चे के होते ही सिर्फ 4 से 5 दांत होते हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ टूथपेस्ट की जो क्वान्टिटी है वो इतनी रखनी है कि जितने चावल के दाने की साइज होता है बस. इससे वाइल्ड नहीं है, अगर आप इससे ज्यादा टूथपेस्ट लगा के देंगे टूथब्रश के ऊपर तो बच्चे के जो है वो स्वॉलो कर सकता है और उसको वो जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है. तो इससे बेटर है कि बस जितना चावल का दाने का साइज होता है ना उतना ब्रश के ऊपर लगाना है, और उसके बाद 9 महीने से बच्चे को ट्वाइस अ डे, जिस तरह हम एडल्ट्स का जो रूटीन होता है ट्वाइस अ डे टूथब्रश करने का, बच्चे का भी वही होना चाहिए. जी जी अच्छा, इसमें फिर एक और ये बात आ जाती है कि हमारे जब टॉडलर्स की बात करते हैं तो उससे पहले वो टीदर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है. और टीदर्स के बारे में कहा जाता है कि हम जब ये यूज करते हैं कि बेशक आप बच्चों को सौदा करने के लिए वो यूज करते हैं कि गम्स ऊपर हो जाते हैं, इज इट ट्रू? बिल्कुल हो जाते हैं, और इसलिए ये है कि पैसिफायर्स कह रही हूं कि टीथिंग वो जो बाइट करने के लिए भी होते हैं और टीथर्स भी होते हैं, एक्सप्रेसिव जो आपके कहते हैं ना गम्स के लिए होते हैं कि बच्चे को सौदे करने के लिए होते हैं वो, यानी उसको पेन ना हो टीथिंग के अंदर और उसके जो है वो दांत आ जाए, उसके लिए ये है कि वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है. उसका अगर की कोई सी भी चीज, बस इशू ये होता है कि वो चीज साफ हो, जो भी आप टीथिंग दे रहे हो कि वो विदाउट क्लीनिंग जो है बच्चा उसको अपने मुंह में रख रहा हो सारा सारा दिन, उसको रोक रख रहा हो. जो भी आपने टीथिंग मटेरियल देना, यूजली वो सिलिकॉन रबर के ही बने हुए होते हैं जो मेडिकल फीडर्स मिलते हैं, उसको ये है कि पहले साफ सुथरा, पहले जैसे बॉटल फीडर्स होते हैं जिस तरह हम साफ करते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं, इसी तरह ये जो टीथर्स हैं ये भी स्टरलाइज होने चाहिए, ठीक है. और इनका जो है सिलिकॉन रबर वो इस तरह होना चाहिए जो स्टरलाइजेशन की टेम्परेचर को मीटअप भी कर सके, यानी ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप उसको बॉइल कर सकते हैं और उसका मटेरियल ऐसा है जो उसको वेयर भी कर सकता है तो ठीक है, आप यूज करवा सकते हैं. अदर देन दैट, मैं तो हमेशा जो है साथ एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है Bio-21, उसको जरूर एडवोकेट कर रही हूँ कि अगर बच्चे की जो है इसमें उसमें सर एडेड कैल्शियम सप्लीमेंट होता है तो ये बच्चे के लिए काफी उसको जो पेन हो और जो उससे काफी हद तक वो बच्चा वॉक होता है और उसकी जो कैल्शियम उस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सकती है. तो यूजली ये कि बहुत सारी उसके बारे में कुछ स्टडीज भी ऐसी हैं Bio-21 के बारे में तो दे रही हैं, बट इन द लॉन्ग रन जैसे FDA क्या मैं उसका क्लोजली मैंने सारा रिसर्च डाटा वगैरह देखा हुआ है, ऐसा
है नहीं है उसके एडवर्स इफेक्ट्स, तो बिल्कुल सेफ टू यूज है। मदर बिल्कुल उसको सेफली यूज बच्चों को करा सकती है टीथिंग पीरियड में 6 to 9 months तक यूजली। लेकिन हम अगर अकॉर्डिंग टू मी कि मतलब मैं जब अपने बच्चे के ऊपर हम बात कर रही हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो बाय 21 का मैंने सुना था कि इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स, कि उसमें आपका टीदिंग प्रोसेस जो है वो लेट हो जाता है पहली बात, देन उसमें जब आपके बच्चे के गम्स का वो एक बेस होती है ना, रूट आ रही होती है, वो वीक वो होती है उसकी वजह से, भी क्योंकि एक आप जबरदस्ती चीज दे रहे हैं ना, डोज दे रहे हैं उसमें, वो दे चीज रहे हैं। मेक श्योर कि उसकी जो टैबलेट्स हैं वो 2 to 3 से ज्यादा एक्सीड ना करें। अगर आप उसको ज्यादा एक्सीड भी करेंगे ना, उसके साइड इफेक्ट ये भी है कि देखें छोटा बच्चा, हर बच्चा स्वॉलो भी नहीं कर सकता ना, मतलब जी उसकी जी बच्चा उसको दे रही है और वो स्वॉलो करते हुए उसको जो है वो निगल नहीं पा रहा मेडिसिन में, तो उसको दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, या जी तो जी उसमें उसको क्रश करके वाटर बेस में दे दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 2 to 3 टैबलेट से ज्यादा एक्सीड ना करें, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। और FDA के पास इसका कोई इनफ डाटा नहीं है जो ऑन ग्राउंड रियलिटी में, मतलब एक्चुअल इंसानों के ऊपर जो स्टडी है वो नहीं है। दे आर अच्छा स्टडी, और उनके पास अगर उनकी स्टडीज भी पढ़ेंगी ना जो इस वक्त अवेलेबल है गूगल के ऊपर, तो उसमें जी हर जी जी स्टडी लिखा हुआ आएगा कि उनकी रिसर्च अभी कंटिन्यूड है एंड दे डू नॉट जी हैव डाटा। सो वो इससे एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते कि ये डिले हो रहा है। प्रॉब्लम इज दैट कि आजकल जो है बच्चों की वैसे कुछ डिलेड है, चाहे 12 घंटे ले रहे हैं या नहीं ले रहे। द रीजन इज दैट बच्चों को अभी दांत दांत निकलने के लिए यू मस्ट हैव लाइक अच्छा आपका अच्छी सेहत हो तो दांत बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। और समटाइम्स अगर 2 to 3 months जो है वो डिले भी आ रहा है तो इट्स नो इशू। मुझे तो बहुत क्वेरीज ओके आती है, मेरा बच्चा 9 महीने का हो गया उसके भी दांत नहीं आए, मैं ऐसे कहती हाँ कोई क्यों नहीं है, 2 3 महीने अगर ऊपर नीचे जा भी रहे हैं इट्स कोई घबराने की बात नहीं, इवेंचुअली हर बच्चे दांत मुंह में आ जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो इंजेक्ट होते हैं करवाते हैं, या फिर वो कुछ इस तरह से मेडिसिन ले रहे होते हैं कि अभी 2 साल का होने वाला है तो उसके इतने दांत हैं। दैट्स व्हाट यू थिंक, व्हाट यू रिकमेंड बाय योरसेल्फ, आप क्या रिकमेंड करते हो उसके बारे में, जिन बच्चों के दांत वैसे ही लेट होते हैं, मैं लाइक आपको अब बताती जी जी 1.5 साल 2 साल का बच्चा होने वाला है और उसके हूँ, दांत नहीं निकल रहे या याद हैं दिलाई भी। तो 6 month में ना यूजली पहला दांत बच्चे का आ जाते हैं। किसी किसी बच्चे के 5 months में, यानी 5 महीने का भी बच्चा है उसके भी मुंह में पहला दांत ना नीचे वाला पहला आ जाता है। ठीक है, अगर तो उसको आ रहे हैं, मतलब बच्चा जो है वो 7 माह का हो गया, 8 माह का हो गया और उसके मुंह में जो है 3 4 दांत आ चुके हैं, ओके फाइन परफेक्टली फाइन। अगर नहीं आए तो यू कैन वेट अप टिल लाइक 1 year, ऐसे कोई इसमें इश्यू नहीं है। 1 year तक अगर बच्चे के मुंह में नहीं दांत आए हैं तो फिर जरूर डेंटिस्ट के पास आए। डेंटिस्ट जो है वो एक एक्सरे ओपीजी होता है जिसमें पूरे मुंह के जो दांत है वो इकट्ठे आ जाते हैं, वो वहां पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और जो कोई उसमें कुछ अंडरलाइन हमें देखना होता है, समटाइम्स ये होता है कि दांतों पर कोई सिस्ट होती है या कुछ ऐसी हिंड्रेंस होती है या ट्रॉमा हुआ होता है बच्चे को, तो उसकी वजह से दांत निकल नहीं रहा होता। अगर ऐसे नॉर्मल कंडीशंस बच्चे के मुंह में पहले, मतलब जब पहली बर्थ पे जाता है, जितना मर्जी डिले होगा, मतलब मेरी अपनी बेटी भी थी तो 9 months तक उसके मुंह में कोई दांत नहीं था, क्योंकि 9 months के बाद इकट्ठे सारे निकालने शुरू किए थे। और जब आपने बात की कि कब तक पूरे आ जाते हैं, 2.5 साल तक ना बच्चे के मुंह में 20 दांत आ चुके होते हैं इन हेल्दी कंडीशंस में। यूजली अगर बच्चा को लेट भी कर रहा है ना, लेट्स सपोज उसके मतलब फर्स्ट बर्थडे तक पहुंच गया और मुंह में दांत नहीं आ रहे, तो जी आपको भी जल्दी बाद में आना शुरू हो जाते हैं, पर वो 1 1.5 साल के अंदर अंदर जो है ना, अपने 20 जो टीम है ना वो पूरे हो जाते हैं। सही। अच्छा हाँ, अब ये और जो अगर जी ऐसा नहीं हो रहा, जी अगर ऐसा नहीं हो रहा तो डेंटिस्ट के पास जाके एक दफा आप विजिट करवा लें। डेंटिस्ट एक ऊपर से सारा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेगा, और दूसरी बात ये कि ओपीजी के हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है उससे हम चेक कर लेते हैं कि क्या वजह है कि बच्चे के अंदर दांत नहीं आते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर एडेड कभी कोई और सप्लीमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कराना होता है तो वो फिर हम उस पर क्लिनिकली प्रिस्क्राइब कर देते हैं आफ्टर टेकिंग ऑल द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। सही। अच्छा व्हाट आर द, इतने क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस द टीथ बिकम क्रुक्ड एंड मेलिंगेंट, इसका क्या रीजन है, मेलिंगेंट जो हो जाते हैं क्रुक्ड है। आज आजकल तो ये ना हिट हिट क्वेश्चन है। आई मीन एवरी सिंगल चाइल्ड, मुझे तो हार्डली कोई बच्चा ऐसा मिलता है जिसके मुंह में बाकी परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है ना परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ दांत आते हैं। मोस्टली मोस्टली मतलब 10 बच्चे अगर मेरे पास, मैं यूजली अगर देख रही हूँ ना, 10 में से 6 तो ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई दांत लाजमी क्रुक होता है या मैल अलाइंड होता है या उनकी बाइट नहीं ठीक होती है। आई थिंक बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट रीजन तो हेरिडिटी है, यानी
पेरेंट्स से, जिनके पेरेंट्स के जो दांत टेढ़े हो गए, खानदान में जैसे फूफो के बहुत क्लोज रिलेटिव, फूफो के हो गए या दादू के हो गए, नानू के हो गए, मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव्स में अगर दांत जो सही नहीं है, क्रुक्ड है या मैल अलाइंड है, तो बच्चे में बहुत बहुत चांसेस होते हैं तो उनके भी जो है इसी तरह दांत मैल अलाइंड हो। अच्छा, सेकेंड रीजन ये होती है कि बच्चे के, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 साल तक 20 दांत आ चुके होते हैं, उसके बाद 6 ईयर्स में जब बच्चा 6 साल का होता है तो कोई परमानेंट आना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि उनको बेबी टूथ है, इतनी जल्दी लॉस हो जाता है ड्यू टू द केरीज, मतलब छोटे बच्चों के मुंह में जो दांत है उनको, उनके ऊपर केरीज लग गई या कीड़ा लग गया और उसकी वजह से वो लॉस हो गया है, तो उसकी जगह जो परमानेंट आना है वो अपनी जगह से आगे पीछे हो सकता है। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हेरिडिटी, यानी अगर पेरेंट्स के दांत खराब है तो बच्चे के बहुत चांसेस है दांत खराब होने के। सेकंड इज द अर्ली लॉस ऑफ द बेबी टूथ, बेबी टूथ जो है वो अर्ली लॉस हो रहा है तो बहुत चांसेस है कि जो अपने वाले नए दांत हैं वो टेढ़े हो सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जो नया आने वाला दांत है, आपने देखा होगा जैसे आपके भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे, तो दांत जो है वो बेबी टूथ अभी शेड नहीं हुआ और उसके पीछे परमानेंट निकल आया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है कि कुछ अगर तो हिल रहा होता है तो माए घर में इसको गौर से निकाल सकती है, लेकिन अगर वो नहीं हिल रहा तो डेंटिस्ट के पास उसको आके निकलवा दें, क्योंकि जब परमानेंट तो बाहर आ गया हुआ है ना गम से, तो जी अब मतलब है कि उस बेबी को तो वहां पर अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 2 वीक्स तक वेट कर लें, 2 वीक्स तक अगर बेबी नहीं हो रहा उसको जाके रिमूव जी करके परमानेंट वाला जो है वो डैमेज ना हो। और तीसरी रीजन ये है, बच्चों में बहुत बहुत कॉमन कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जैसे प्रोलॉन्ग फीडर की, मतलब आजकल तो ये तो खैर हमारे हमारे जमानों से ये सारा फीडर वाला जो है चल रहा है। फीडर अपने बच्चे को जरूर दें, जितना मर्जी दें, लेकिन 2.5 साल तक बस, उससे ज्यादा नहीं। जितना भी आपने फीडर देना है उस पर भी आपने दो फीडर के वाले से दो कोशिशें करनी है कि एक तो रात को सोने से पहले मीठा दूध हो उसके अंदर, ठीक है, फीडर के अंदर, क्योंकि उससे बहुत बच्चे के दांत खराब होते हैं। और सेकेंडली अगर आपने फीडर बच्चे को आपने ट्रेनिंग कप्स पे आपको जो करवा देना चाहिए बच्चे को वो 2.5 साल तक, इससे आगे जो है फीडर मत, क्योंकि आगे आने होते हैं परमानेंट दांत तो वो खराब हो सकते हैं। दूसरी हैबिट जो है बच्चों में देखी जाती है टंग थर्स्टिंग की, यानी बहुत ज्यादा अनड्यू प्रेशर अपने दांतों के ऊपर डालते हैं, बार बार जुबान आगे लेके आते हैं, जुबान से पुश करते हैं अपने दांतों को आगे, तो इस वजह से भी दांत है वो आगे जाना शुरू हो जाते हैं। तो अनड्यू प्रेशर, मतलब अगर आप देख रहे हैं अपने बच्चे को कि वो बार बार जुबान आगे लेके आ रहा है तो उसको मना करें, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं सिर्फ अभी कुछ बातें बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकली क्लिनिकल हमारी जो ट्रीटमेंट्स है वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ पेरेंट्स ने क्या करना है, सिर्फ नजर किस तरह रखनी है किस चीज पे और किस चीज पे नहीं। एक और हैबिट होती है थंब सकिंग की, बच्चा अगर थंब अंगूठा जो है मुंह में रख के बैठा हुआ है, ठीक है, उस कोशिश करें कि उसका मुंह, उसका जो अंगूठा है वो थोड़ी देर बाद बाहर निकाल, उसको थम सकें कि आदत ही ना डलवाएं। अगर अगर बच्चे को सूदिंग की रिलेटेड कोई इस तरह की कोई है कि इशू है कि पैसिफायर्स का जरूरी है कि चलो ठीक है पैसिफायर को यूज करवाना है, तो मेक श्योर कि वो भी 2.5 ईयर्स से ज्यादा ना हो। पैसिफायर्स का इस्तेमाल जब तक भी करना है बस 2.5 ईयर्स तक होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए पैसिफायर्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये थम सकेंग होगी, यानी आपने जिन चीजों पे, बच्चों ने जिन चीजों पे नजर रखनी है कि वो खाना चूसे, फीडर जो है वो 2.5 साल के बाद फीडर में ले, ट्रेनिंग कप्स पे आ जाए, और उसके बाद जो है वो टंग जुबान से जो है आगे ना, क्योंकि जो साइंस है ना, साइंस जरा समझने की बात है कि भाई इन चीजों से होता क्या है, क्या वजह है कि अगर बच्चा अंगूठा ले रहा है या जुबान मार रहा है बार बार उसको, तो इससे क्यों दांत खराब होते हैं। इससे इश्यू ये होता है कि जब हमारा जो मसल्स है ना, चीक मसल्स और टंग मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये इतना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि वो जो दांत है अपनी जगह छोड़ के थोड़ा सा आगे मूव करना शुरू हो जाते हैं, और किसी भी तरह से जो दांत आगे मूव कर रहा है तो वो बाइट के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ तो वो की हैबिट्स होगी। और दूसरी बात ये कि एक और बहुत पेरेंट्स को ना एक चीज को बहुत देख ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या रात को बच्चा बच्चे का मुंह तो नहीं खुला हुआ जब वो सो रहा है, अच्छा उसमें भी ये हो, हाँ ये बहुत उसमें, अच्छा बच्चे का जब खुला हुआ होता है ना तो कोशिश किया करें कि उसका मुंह बंद कर दिया करें, और ऑब्जर्व किया करें कि उसके बाद बच्चा अपना मुंह बंद कर रहा है या फिर दोबारा खोलता है। अगर वो फिर दोबारा बार बार खोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टिव ब्रीदिंग कर रहा है, इसका मतलब कि उसको सांस नाक से नहीं आ रहा,
इसलिए वो बार बार मुंह खोल रहा है और मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में ईएनटी के पास जरूर जाएं और ईएनटी के से जरा चेक करवा लें कि उसकी नोज के जो वदूद है वो लार्ज एडेनोइड्स में ग्रोन हुए हुए, उनके क्या वजह है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और बच्चा जो है नाक से सांस नहीं ले पा रहा और उसकी जगह मुंह से सांस ले रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज कि आजकल बच्चों की जो जॉ है ना वो बहुत छोटे हैं और दांत बड़े बड़े हैं, जॉ छोटा है, तो इस वजह से दांत है ना वो बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये सारी रीजंस हैं और इसके अलावा भी और काफी रीजंस हैं, लेकिन ये फॉर मोशन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे हाँ यही होते हैं। और यही मैं मदर्स को मतलब बता रही होती हूँ कि ये इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाए ताकि जो है ना बच्चों के दांत जो है सही रहे। अब जो छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में 20 दांत होते हैं और जॉ भी उनका ठीक होता है तो वो उसमें तो आसानी से निकल आते हैं, लेकिन परमानेंट में क्या होता है कि परमानेंट में अगर जॉ छोटा और इतने बड़े बड़े दांत आ रहे हो तो उनको जगह भी चाहिए, तो जब उनको जगह ही नहीं मिलेगी तो वो सारे आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे और फिर और जो बैड बाइट है वो हो जाएगी। अच्छा, तो एक जो हम लोग मोस्टली देखते हैं बच्चों के दांतों में गैप्स होता है, वो क्या रीजन है? गम्स पे मतलब एक निकल रहे हैं नए दांत जब निकल रहे हैं या पहले भी? नहीं गैप्स आर एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी क्योंकि वो तो हाँ अकोमोडेटिंग द न्यू टीथ, उन्होंने न्यू टीथ को भी तो अकोमोडेट करना है तो वो तो इस वजह से गैप होते हैं। सो गैप के लिए बिल्कुल भी वरी नहीं करना, वो तो अच्छी बात है कि भाई वो जो नए आने वाले दांत है उनके लिए अकोमोडेट, क्योंकि जॉ में पीछे जब बच्चा 6 ईयर्स एंड अबव जाता है जॉ पीछे से शुरू हो जाता है, ठीक है, ताकि उसमें नीचे यहाँ पर 3 मोलर्स निकलने हैं नीचे के बच्चे के, तो मोलर्स के बाद बच्चे मतलब बच्चे के मुंह में मोलर्स तक होते हैं, उसके बाद उसके जो 3 परमानेंट मोलर्स निकलते हैं वो पीछे से निकलने हैं, ठीक है, और जो बच्चे की जो अपनी मोलर है वो तो बड़े के प्री मोलर बन जाते हैं, तो इसलिए उनको मतलब 3 नीचे 3 ऊपर 3 इधर 3 इधर, तो मतलब 6 प्लस 8 उसको ऑलमोस्ट इतने दांतों की उसको रूम चाहिए, दैट्स व्हाई वो स्पेसेस होते हैं, उसके लिए कोई बड़े की बात नहीं है सही, बच्चे का। ठीक। अच्छा, आप इस चीज में क्या रिकमेंड करती हैं? ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं अगर बच्चा आपके पास आ रहा है कि सपोज के नए दांत जो भी हैं, तो उससे पहले जो उनके जो दूध के दांत हम कहते हैं बच्चों के, उसमें आपके के शुरू से कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर बच्चे के दांत उसमें में गैप भी बिल्कुल है, उसमें कीड़ा भी है, टूटे हुए भी हैं, वो क्या होता है? वो एक ब्लैक सा सीन होता है बच्चों में हाँ वो जो मोस्टली ब्लैक देखते हैं। वो ब्लैक सीन होता है ना वो बेबी बॉटल सिंड्रोम से कहते हैं, और ये उन बच्चों को होता है जो रात को मीठा दूध फीडर में डाल के पीते हैं और उसके बगैर दांत साफ किए उसी तरह सो जाते हैं, ये उन बच्चों के मुंह में होता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि एक तो ये कि मीठा दूध रात को बच्चों को इस्तेमाल ना करवाएं, अगर सही, बच्चा आप दूध नहीं पीता है और आप सब आपने उसको चीनी डाल के भी दे दिया तो उसके बाद उस बच्चे के दांत साफ करवा के टूथब्रश करवा के, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था कि टूथपेस्ट का मैं आपको उसमें ये भी ऐड कर दूं कि 1 साल के बाद जब फर्स्ट बर्थडे उसकी गुजर गई तो बच्चा बड़ा हो गया वो हर चीज खाएगा, तो उसके बाद टूथपेस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी है, उसकी तकरीबन मटर के जो दाना होता है ना उतनी साइज की जो है वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद जो है प्लेन टूथब्रश नहीं करवाना, प्लेन टूथब्रश सिर्फ 9 माह की उम्र में करवाना है, उसमें फर्स्ट बर्थडे के बाद सही। टूथपेस्ट के साथ ही प्रॉपरली टूथब्रश करना है जैसे जैसे हम बड़े करते हैं, तो इसी तरह अगर बच्चे रात को ब्रश करके सोएंगे तो उनके जो बेबी बॉडी रोग से बचे रहेंगे। अगर लेट्स सपोज बच्चे को क्या है तो फिर मदर्स जो है वो अर्ली उसको फिलिंग करवा ले उन दांतों की, उसको बिल्कुल इंतजार ना करें कि ये खा खा के खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको जैसे आपने मुझसे कॉज पूछी थी कि क्या वजह है कि बच्चों के दांत टूटे हो रहे हैं, उसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉज थी कि जो अर्ली लॉस ऑफ द बेबी टूथ है ना उसकी वजह से भी दांत टेढ़े, क्योंकि जाहिर है जब दांत ही बेबी खत्म हो गया है तो उसकी जगह से जो परमानेंट आ रहा है उसकी मर्जी वो कहाँ को भी निकल रहा है, उसको एक प्लान डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो इसलिए जो है उसको इनिशियली तौर पे उसको फिल करवाना बहुत जरूरी है और पेन तक की नौबत ना आने दें काइंडली, क्योंकि पेन बच्चों को तभी होती है जब जो केरीज है ना जो डिके है वो रूट तक जा पहुंचता है, रूट और बोन तक जा पहुंचता है, इसमें यह कि बच्चा जो है बहुत अंडियो बच्चे ने देखो स्टार्ट में इतना कुछ खाना होता है उसकी ग्रोइंग ईयर्स है तो जब दांत में मुसलसल उसका दर्द होगा तो वो खाना कैसे खाएगा, वो स्कूल कैसे जाएगा, इन्फेक्शन है पेन है ये वो सारा कुछ, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक तो ये रात को टूथब्रश करवाएं,
सुबह उठ के नाश्ता होता है, बच्चा रात को टूथब्रश करके सोए, फिर सुबह उठ के नाश्ता करे, नाश्ता करने के बाद टूथब्रश करके फिर अपने स्कूल जाए, तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ ही साथ हर 6 मंथ्स बाद जो है डेंटिस्ट के साथ एक विजिट जरूर स्केड्यूल कराएं। और आजकल तो इतने यार फ्री कंसल्टेशन है, इतने डेंटिस्ट फ्री कंसल्टेशन लगाते हैं, इतने हम लोग भी अवेयरनेस के लिए बैठे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है अपने बच्चे के जो कंसल्टेशन लेने के लिए, उसे 6 मंथ्स बाद कंसल्टेशन है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत इनिशियली सॉल्व हो जाए और जो है बच्चे के आगे प्रोग्रेस ना कर सके सही। जो प्रॉब्लम और जो हम ब्रेसिस का करवाते हैं वो किस एज में होता है बच्चे के लिए? के लिए ना, ब्रिटिश के लिए सबसे बेस्ट ये है कि जिनको पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं ना, या फिर ये जो जितनी मैंने आपको कॉजेस बताई हैं, इसमें से कोई बच्चे का, यानी लेट्स सपोज अगर बच्चा थंब सकिंग करता रहा है, फोन आगे को लगाता रहा है, बहुत प्रोलॉन्ग फीडर लिया हुआ है, आपके अपने दांत खराब है, या फिर जो है वो जो है कोई ट्रॉमा बचपन में हुआ था जिसकी वजह से जॉ को ट्रॉमा हुआ हो या दांतों को ट्रॉमा हुआ, सारी सिचुएशंस जो मैंने पीछे पूरी एक्सप्लेन की थी कॉजेस में, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई रेकमेंड यू कि 7 ईयर्स तक, जैसे ही बच्चे के मुंह में परमानेंट दांत आना शुरू हो देना, 7 ईयर्स में उसका पहला स्केड्यूल जो है वो ऑर्थोडॉन्टिस्ट के साथ ही कंसल्टेशन होनी चाहिए, तब के अगर उस पर डेंटिस्ट ने या ऑर्थोडॉन्टिस्ट ने कोई हैबिट ब्रेक करवानी है बच्चे की, तो वो उस वक्त कोई अप्लायंसेस दे सके, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा छोटा छोटा बेटा जब उसके परमानेंट दांत निकल रहे थे, मतलब वो 8 साल का था, तो थोड़े से मैंने दांत देखे कि वो आगे पीछे आ रहे हैं, तो मैं आपको शेयर कराती हूँ मेरे बेटे के लिए, ये सिलिकॉन पोजिशनर्स है, ठीक है, ये आपको डेंटिस्ट के पास से ही मिलेंगे। अब ये है कि वो मैंने उसको रात को ये पहना के सोती थी, सुलवाती थी, तो 3 to 4 months के अंदर अंदर ना बच्चे के जो है वो अलाइनमेंट सही होना शुरू, तो अब जो दूसरा डेंटिस्ट को तो पता चल जाता है, तो वो तो अर्ली जो है वो ट्रीटमेंट कर देता है सजेस्ट, लेकिन अब मदर्स को कैसे पता चले कि उसने किस स्टेज पे, इसलिए मैं कह रही हूँ जब आप साल में 2 दफा डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी वो ट्रीटमेंट्स ऑप्शन हैं जो डेंटिस्ट उस पर एडवाइस करेगा और उसका फ्यूचर में ये मैलअलाइनमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आ सकेगी। अच्छा एक और है, छोटे बच्चों में जैसे अगर 7 to 9 years तक एक बच्चा बच्चे पे क्या कुछ समय देखें, ऊपर वाले जो ऊपर वाले गांव होते हैं, जो ऊपर वाला जगह उसमें बहुत आगे आ रहा है बच्चे का, तो वो भी थोड़ा सा एक ट्रिगिंग वो फैक्टर होता है, थोड़ा सा उसमें कंसल्टेशन लाजमी लेनी चाहिए कि क्या ये हेल्दी ग्रोथ है कि एबनॉर्मल ग्रोथ है क्या है। उसमें ना एक पैलेट एंड एक्सपेंडर्स किस तरह के मिलते हैं रिटेनर्स, ठीक है, जो साइज मुंह का हम साइज पहले लेते हैं और बच्चे के जो पैलेट के अकॉर्डिंग जो है इस तरह का पैलेट एंड एक्सपेंडर बना देते हैं, रिटेनर बना देते हैं, उसमें ये होता है कि बच्चे के जो दांत है अपनी जगह पे सेफ रहते हैं और बहुत आगे ही को नहीं निकल जाते। तो कुछ और कौन से अप्लायंसेज हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको दो दिखाई है, तो बेतुमार ऐसी अप्लायंसेज हैं जो अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे बच्चे की प्रॉब्लम होगी ना, यानी 7 ईयर से लेके 9 ईयर्स तक। अच्छा हम अपने ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट को जो ये ब्रेसेस वाली ट्रीटमेंट है इसको हमेशा 2 फेजेस के अंदर ट्रीट करते हैं, एक तब जब बच्चे के मुंह में मिक्स दांत होते हैं, यानी कुछ बेबी टूथ होते हैं कुछ जो है वो परमानेंट होते हैं, जैसे 7 to 9 years तक है, ठीक है, उसकी अप्लायंसेस और है। और उसके बाद सही। अगर उसके बाद जब वो 12 ईयर्स का हो जाता है फिर तो ब्रेसेस है, फिर आगे फिर हम जो है ब्रेसेस होते हैं, फिर ये अप्लायंसेस काम नहीं करती हैं, फिर आगे जो है ब्रेसेस जो है वो बच्चे को दे देते हैं, और उस टाइम पे मतलब जब उसके सारे दांत परमानेंट आगे तो बहुत आराम से जो है उसको ब्रेसेस लग जाते हैं और सारी जो है वो मैल अलाइनमेंट है, बैड बाइट है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है अलाइनमेंट से जो इश्यू से रिलेटेड। एंड व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा इनका जो प्रैक्टिस का होता है? एक्सपेंडिचर डिफरेंट होता है, मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा पहले ये कि ब्रेसेस के टाइप्स होती है, ठीक है, ब्रेसेस की बहुत सारी जो मदर्स हैं उनको ब्रेसेस के भी टाइप्स नहीं पता होता है, पता होंगी कि मेटालिक ब्रेसेस भी इसमें होते हैं, सेरामिक ब्रेसेस भी होते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस भी होते हैं और अलाइनर्स भी होते हैं, ठीक है। मेटालिक ब्रेसेस तो जो है वो जो मेटल के ब्रेसेस है जैसे नजर आ रहा होता है वो मेटल की ब्रैकेट्स लगी हुई है और वायर्स लगी हुई है, ये तो बहुत कॉमन है और तकरीबन तो हर एक को पता है कि मेटल ब्रेसेस क्या चीज होती है, लेकिन अलाइनर्स आई वुड रेकमेंड कि ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर आप ब्रेसेस की बात करें, बिकॉज दे आर विजिबल एंड दे आर इनविजिबल और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने जो है वो ब्रेसेस लगाए हुए हैं,
एंड यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट। मेटालिक ब्रेसेस को बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें आप खाना जो है बहुत सारा कुछ ऐसा खाना नहीं आप खा सकते हो, और अलाइनर्स के साथ इस तरह नहीं। अच्छा अभी मुझे जरा ये बता दें कि होस्ट को मेरी आवाज आ रही है, कुछ मुझे साइन आ रहा है कि हेलो हेलो एम आई लाइव। अच्छा, मैं कंटिन्यू कर रही, मेरी वो साहिबा मुझे नजर नहीं आ रही, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं अकेली में बोल रही हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे होस्ट की आवाज आ रही है कि ओके ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा उसमें ये है कि जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया था कि ब्रेसेस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेटालिक ब्रेसेस, सेरामिक ब्रेसेस और लिंगल ब्रेसेस, ये तो है, ये फिक्स्ड ब्रेसेस है, इनको आप खुद नहीं रिमूव कर सकते, इनको आपका डेंटिस्ट ही जो है वो लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और वही वायर चेंज करेगा, और वही एक पूरा जो आपका पूरी रूटीन है वो पूरी 2 साल की, वो 1-1.5 साल की वो डेंटिस्ट के साथ चलेगी। हाँ अलबत्त एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जिस पर मैं आज जरूर बात करूंगी, क्योंकि इसकी तो अवेयरनेस, अलाइनर्स की बहुत कम अवेयरनेस है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द लेस मार्केटिंग, और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द के डेंटिस्ट जो है वो ज्यादा मेटालिक ब्रेसेस को प्रेफर कर रहे होते हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग जो अलाइनर्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह वो इस तरह की इनविजिबल और रिमूवेबल शीट्स होती हैं, ठीक है, और ये ब्रेसेस होते हैं बेसिकली। उनका जो काम है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाकी ब्रेसेस ने काम करना होता है, इन्होंने भी वैसा ही काम करना होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये कि रिमूवेबल होते हैं, ठीक है, आपने जो कुछ भी खाना पीना है आप इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद खा पी ले, ठीक है, आपकी टूथ ब्रशिंग भी इफेक्ट नहीं होगी। और जब हम मेटालिक ब्रेसेस देखते हैं तो उसमें हम हर चीज खा पी नहीं सकते क्योंकि उसकी बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शन है। सेकेंडली ये कि उसके साथ ओरल हाइजीन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बच्चे की, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ओरल हाइजीन का इशू नहीं है कि आप उसको रिमूव करने के बाद दांत साफ कर लो और उसके बाद दांत साफ करने के बाद दोबारा बैठ। तीसरी सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि कोई नोटिस ही नहीं कर सकता कि ये ब्रेसेस जो है पहने हुए हैं, तो इसलिए 12-13 साल से लेके 40 साल तक के जो मर्द और हजरात और ख्वातीन है, यानी मर्द भी और ख्वातीन भी 40 साल तक वो इसको आराम से जो है वो उसको ब्रेसेस ट्रीटमेंट इसको करवा सकते हैं, और इसके जबरदस्त रिजल्ट्स हैं और बहुत क्विक रिजल्ट है एज कम्पेयर टू द मेटालिक ब्रेसेस। अच्छा, और सबसे इसकी एक और अच्छी बात ये है कि ये डिजिटल प्लानिंग होती है, इसमें डेंटिस्ट ये खुद से प्लान नहीं करता, एक तो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पूरी डिजिटल प्लानिंग होती है, और जिस दिन जो पेरेंट जो जी जी जो पेशेंट की कंसल्टेशन होती है उसका तो वेरी नेक्स्ट डे, यानी इनिशियली जो पेशेंट आया कंसल्टेशन में तो उसके पहले साइज हो जाता है, साइज होने के बाद जो है हम उसको डिजिटल प्लान दिखा देते हैं, तो वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो देख सकता है कि उसके 1 साल के बाद दांत कैसे सही हो जाएंगे, या 1.5 साल के बाद जितना भी उसका टाइम रिक्वायर्ड है, रेंजिंग फ्रॉम द 6 months टू लेके 2 years तक। यूजली जब भी ब्रेसेस की कोई ट्रीटमेंट हम करते हैं तो द लीस्ट वी रिक्वायर इज 6 to 8 months, एंड और उससे ऊपर जो है वो 2-2.5 साल तक भी जा सकते हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप जो अपने क्रूक टीथ जो ठीक हो रहे हैं थ्रू दिस अलाइनर्स, आप पहले ही आप इसको देख सकते हैं, और आप पूरा का पूरा आप प्रोसेस जो है आप इसमें क्या होता है कि जो शीट्स हम दे दी जाती है, इस तरह का एक बॉक्स आता है, जैसे मेरे सामने ये अलाइनर बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें ये सारे जी बॉक्स के अंदर जो है मैं सारी दिखाती हूँ बहुत तरीके से। हाँ, इतना बॉक्सेस के अंदर ये सारे शीट्स में ये सारी ट्रेज होती है, जैसे अगर ये नंबर 1 ट्रे है तो यहाँ से पेशेंट इसको पहनना शुरू करेगा और उस बाद 15 डेज तक इसको यूज करेगा, 15 डेज के बाद ये शीट इसको वापस ना करेगा और उसके बाद सेकेंड ट्रे पे आएगा, फिर सेकेंड ट्रे 15 डेज पहनेगा, फिर उसके बाद अपने 15 डेज के बाद सेकेंड ट्रे वापस रख देगा, तो इस तरह सीरीज में पूरी ये जो अलाइनर ट्रेज है इसको एंड तक यूज करनी होती है, और उसके बाद आप बिल्कुल जो आपने परफेक्ट अपनी स्माइल, परफेक्ट अपनी अपनी अलाइनमेंट देखी होती है पहले थ्रू द ट्रीटमेंट प्लानिंग, आपको उसी तरह जो है वो दांत सीधे और बिल्कुल अच्छे मिल जाते हैं। तो ये इसकी अब जो आप और इसकी जो बहुत बातें हैं बेशुमार है, पर आई वुड रेकमेंड के जो है वेबसाइट है www.alignersglobe.com, उसको एक दफा विजिट कर लें, और जितनी इसकी डिटेल है, जितनी इस टेक्नोलॉजी की सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं वो सब आपके सामने आ गए हैं। आई वुड से कि सब प्रोस ही प्रोस एंड कॉन्स को है, बहुत
बहुत ही कोई एक आधा कॉल होगा, और उसमें भी कुछ कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं जो वो ये नहीं करवा पाता. अदर देन दैट, ये सारे ब्रेसेस में से ऑन द टॉप अलाइनर्स है. अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू द सिरामिक ब्रेसेस और मेटालिक ब्रेसेस के, वो बहुत आउटडेटेड और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, इवन फॉर द डेंटिस्ट एंड इवन फॉर द पेशेंट्स. डेंटिस्ट को भी जो है बार बार उस ब्रैकेट को और वायर को एडजस्ट करना होता है, और पेशेंट को भी जो है वो सारा साल जो है वो सफर करना होता है उन तारों के साथ. और वो जब मुंह खोलते हैं तो बस मुंह में ऐसा लगता है तारे तारे लगी हुई है, पर इन अलाइनर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता. सही। ओके जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज के लिए हमारा सेशन का टाइम इतना ही है, एंड आई होप कि सबके जो भी कंसर्न्स है, काफी सारे सॉल्यूशंस उनको मिले होंगे आज के सेशन से। अच्छा, सो मैं कॉस्ट इंशाल्लाह। जी थोड़ा सा, हाँ जी कॉस्ट थोड़ा, मैं कॉस्ट में बता दूँ, कॉस्ट में ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज से लेके 2-2.5 लाख तक जाती है, लेकिन स्टार्ट 80,000 रुपीज से अच्छा। होता है. और उसके बाद आगे जितना लंबा केस, जितना छोटा केस होता है वो उतने ही कम पैसे होता है, और जितना लंबा केस होता है तो वो 2-2 लाख या ऊपर 2.5 लाख इससे इतना तक बिगड़ा का होता केस जिसे कह लें। है. हाँ, अपर लिमिट जो है, लोअर लिमिट बिल्कुल अपर लिमिट बता दी कि बस वो इतनी उस पर रखें. बाकी जो फर्दर डिटेल्स है वो alignersglobe.com पे विजिट कर लें और सारी सारी डिटेलिंग है वो उस पर मिल जाएगी. ठीक, चलें सही हो गया। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, आप तक फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना? और फिर नेक्स्ट आप जिस जो भी टॉपिक सजेस्ट करें, फिर हम उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह करेंगे ऑर्गेनाइज। ओके, थैंक ठीक यू है, सो मच. थैंक यू सो मच, ओके, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़.